सामाजिक मुद्दे पे सोशल फिल्म कह सकते हैं और इसमें बहुत ही सोशल इश्यूज को उठाने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा डिटेल अभी मैं बता नहीं सकता हूँ चूँकि एक बहुत सरप्राइज है फिल्म में। इसके अंदर जो हमारा हीरो है वो एक बहुत ही अहम किरदार में नज़र आने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंट है, जो जैसे आमतौर पर फिल्मों के जो हीरो होते हैं उससे थोड़ा इसमें हमारा हीरो अलग नज़र आएगा। थोड़ा रिवेंज भी है, थोड़ा सामाजिक मैसेज भी है, थोड़ा सिस्टम के खिलाफ एक आवाज़ भी है। तो इस फिल्म में आपको ये देखने को मिलेगा हमारे फिल्म भाग्य विधाता। सर आपका परिचय? जी मैं जय सिंह। जय सिंह कैसे जुड़े इस फिल्म से आप? एज ए प्रोड्यूसर? जी एज ए प्रोड्यूसर। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे हम अपने भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नया कलाकारों को जो बीच में लाना चाहते हैं कलाकारों को, इनके सहारे जो छूटे हुए कलाकार पीछे हैं हमारे ज़िले के, उन लोगों को इन लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा वो। आपका नाम सर? वीरू ठाकुर सर। जी जी जी। हाँ, आप इसमें कैसे जुड़े हैं? एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर? जी जी, मैं राइटर हूँ, स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिख रहा हूँ इस फिल्म का। किस तरह की स्टोरी है, एक लाइन में बात करें? जॉनर की बात कर सकते हैं, अब ये स्टोरी रिवील तो हम लोग नहीं करेंगे। जैसा कि सर बताए आपको, एक क्राइम ड्रामा है और सोशल और सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर बेस्ड होगा। बेलो जी, आपके लिए डबल खुशी है आज। हाँ, डबल खुशी। आप ही बता दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारी फिल्म, एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे प्रोड्यूसर जय सिंह जी जो साथ में खड़े हैं हमारे, ये जय सिंह जी जिन्होंने हमने दोनों ने मिलकर इसके पहले भी एक फिल्म की है, जय माँ विंध्यवासिनी। आज उस फिल्म का पोस्टर लॉन्च है, फर्स्ट लुक लॉन्च है, और आज ही हम लोगों ने एक डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम आज एक अपनी अगले फिल्म की प्लानिंग, जो कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि 25 अक्टूबर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 नवंबर तक हम लोग शूटिंग लोकेशन पे होंगे, जिसकी शूटिंग इलाहाबाद में की जाएगी। तो ये एक सच में हमारे लिए डबल खुशी की बात है कि जहाँ एक तरफ हमारी फिल्म का मुहूर्त है, वहीं एक फिल्म का पोस्टर लॉन्च है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो जिस फिल्म के मुहूर्त है, उस फिल्म के जो हमारे लेखक राइटर, मतलब कथा पटकथा संवाद जो कह लीजिए, वो हमारे वीरू ठाकुर जी का है। कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत लेट जुड़े हम लोग, लेकिन जब मैं जुड़ा इनसे, बातें की, इनको समझा, इन्होंने भी मुझे समझा, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, काफ़ी अच्छी सूझबूझ है और हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमेगी भविष्य में आगे, और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारे फिल्म के जो राइटर हैं वीरू ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छा पैकेज जो हमारे इस फिल्म के लिए दिया है, वो बहुत ही शानदार है। कोई खास मकसद? आज नवरात्रि का पहला दिन है, जय माँ विंध्यवासिनी का फर्स्ट लुक आ गया, क्या ट्रेलर आ जाएगा नवरात्रि के बीच में? फिल्म जय माँ विंध्यवासिनी का ट्रेलर तो आ जाएगा कुछ हमारे, लेकिन इसको हम रिलीज कब करेंगे इसके लिए थोड़ी सी वो चल रही है, क्योंकि कई कंपनियों से हमारी बातें चल रही है। तो अगर डिसाइड हो गया, कंपनी के साथ हमारी बात होगी, तो ट्रेलर बहुत जल्दी आ जाएगा। कितना आप कंफर्टेबल थे बेलू जी के साथ काम करने? 100% पूरा भरोसा है। क्या कमियां रह गई है? कुछ कमियां रहने तो नहीं गई? माता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, और माता के आशीर्वाद से ही आज भाग विधाता हम करने जा रहे हैं। बेलू भैया वगैरह सभी हम लोगों का एक परिवार बन चुका है। जी कितना परेशान करते हैं सेट पे बेलू जी? थोड़ा थोड़ा। कुछ वाक्य बताया नहीं जानना जानते हमारे भैया के अंदर हर तरीके का मिजाज है, जिस तरीके का जनता चाहेगी वो मिजाज। ये तो चलिए, देखिए मैं बतौर डायरेक्टर जो हूँ, मैं क्या परेशान करूँगा। एक तो सबसे पहले हमारी जो भोजपुरी सिनेमा का एक जो एक लिमिटेड बजट होता है, तो उस लिमिटेड बजट के अंदर हमें काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस लिमिटेड बजट में हमें ना क्रिएशन बहुत ज़्यादा दिखाना होता है, क्रिएटिविटी की हद जो हमें हमारे अंदर जो खुजली होती है उसको भी शांत करना होता है। तो इस क्रम में अगर कहीं तनाव दबाव होता है तो अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम बेहतरीन तरीके से काम करते रहें, और अच्छा कभी हमारे प्रोड्यूसर को तकलीफ ना हो, जो हमने बजट डिसाइड किया उस बजट के अंदर सिनेमा को समाप्त किया जाए, जो समय निर्धारित है उस समय के अंदर फिल्म को ख़त्म किया जाए। हाँ, प्रेशर ये ज़रूर होता है कि हमें कम समय में क्रिएटिविटी करने के लिए बहुत ज़्यादा डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो ये सब प्रेशर तो रहता है।
यही सब चीज़ें हैं। बाकी हमारी कोशिश यही होगी कि हम एक बेहतरीन सिनेमा फिर से आप लोगों के बीच लेकर आएँ, क्योंकि आप सबका प्यार जो है, हमारे दर्शक जनता, हमारे मीडिया कर्मी जितने हैं, इनका प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। मेरी जितनी सिनेमा है, जितनी फिल्में हैं जो अब तक रिलीज हो गई हैं, उन सबको हमारे जनता जनार्दन का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मिलता है और मेरी फिल्मों की चर्चा करके उसके बारे में बखान करता है कि नहीं भैया आपकी ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे बहुत सुखद आनंद और सुखद अनुभूति होती है। थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक।